पार्क के दिन लंगर हाउस पुलिस, आज 30 जनवरी के दिन लंगर हाउस पुलिस लेड बाय एसएचओ श्रीनिवास, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर मुजीबुर रहमान, एसआई राघवेंद्र स्वामी और उसका टीम मोहम्मद मिनहानुद्दीन खान, वल्लभ कृष्णा एंड अरविंद कुमार, ये लोग मिलके एक अच्छा केस को डिटेक्ट करें। ये इसमें सैयद हमीद बोल के एक करीब 25 साल का एक आदमी को अरेस्ट करें। यू नो ये मैंने 23 तारीख के दिन, 23 जनवरी के दिन लंगर हाउस ओम नगर में एक अपार्टमेंट में 3rd फ्लोर में जाके फूड डिलीवरी बॉय फूड ऑर्डर करे आप लोग। उसमें एक औरत थी, करीब करीब 60 साल की औरत थी, अंदर से बोल्ट कर ली दरवाज़ा उन्होंने डोर नाक करके बोला कि मैं आप लोग फूड डिलीवरी करें, मैं फूड ऑर्डर करें, मैं डिलीवरी करने के लिए आया। तो वो औरत हम तो ना ऑर्डर नहीं करें बोल के बोली वो ये आदमी को, सैयद हामिद को। उन्होंने बेटा से भी बात करी, क्यों बोलता औरत एक ही थी घर में, बेटा से भी बात करी आप लोग कुछ ऑर्डर करें क्या फूड हमारे लिए, बोले तो नहीं करें। इन्होंने नहीं, फिर उधर इधर फिरा उन्होंने, ये आपका फ्लैट का नंबर यही है ना, इसके लिए आया मैं, बोले तो ये करीब एक आधा घंटा 40 मिनट के बाद डोर खोली हूँ। डोर खोलने के बाद उन हेलमेट पहन के ही है, शुरू से हेलमेट पहन के आई हूँ। अंदर जाने के बाद एक दो मिनट के बाद एक चाकू बताया औरत को, हेलमेट पहन के था हूँ, चाकू बता के घर में वो एक ही औरत थी, चाकू बता के वो चेन ले लेके चले गए, गोल्ड चेन 2.25 तोलास का गोल्ड चेन लेके गए। इमीडिएटली कंप्लेंट आने के बाद हम पूरा सीना परफेंस को विजिट करें, टीम से फॉर्म करें, टपा चबूतरा लंगर हाउस और गोलकोंडा से भी क्राइम टीम्स को पुलिस स्टेशन बुला के टीम्स फॉर्म करके अपने सीसीटीवीज कैमरास वेरीफाई करें। फिर बाद में ये केस को टेक्निकली और मैन्युअली दोनों तरह में इसको केस को वर्कआउट करके आज ये सैयद हामिद, इसका उम्र 24 ईयर्स है, डिलीवरी बॉय के जैसा काम करता, नेटिव ऑफ कामारेड्डी है, यहाँ पे संतोष नगर में एक हॉस्टल में रहता, प्राइवेट काम करते रहता है, उसमें डिलीवरी बॉय के जैसा भी काम करते रहता हूँ, उन्होंने ये काम कर रहा हूँ। एक्चुअली ये केस इम्पॉर्टेंट, इसका इम्पॉर्टेंस, इसका खूबियत क्या है बोले तो क्लूलेस केस है इसमें, और सीसी कैमरा में भी उसका क्लैरिटी नहीं आया, ऊपर से हेलमेट पहने हुआ था उन, उसका अगर चेहरा भी उन्होंने नहीं पहचान सके वो औरत हूँ, तो मतलब हेलमेट पहने से क्लूलेस केस है, कुछ भी क्लू नहीं है। ये केस को हमारे डिटेक्टिव इंस्पेक्टर एसएचओ श्रीनिवास और क्राइम टीम अच्छा वर्कआउट करके केस को डिटेक्ट करे।